इस वीडियो में आज मैं इंडिया के टॉप 5 वेइंग स्केल कंपेयर करने वाला हूं और मैं उनको टेस्ट करूंगा उनकी एक्यूरेसी और उनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे, और साथ में मैं ये भी टेस्ट करूंगा कि उनको क्लीन करना कितना आसान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी ही रिकमेंडेशंस कम्प्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, और ये सभी हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन है जो हमने रिसर्च करी है उसके बेसिस पर। और ये सारी वेइंग स्केल्स काफी पॉपुलर ब्रांड से हैं, जैसे Amazon Basics, HealthSense, Dr. Trust एंड Glun, और इन ब्रांड्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उनके हाई रेटिंग्स और गुड रिव्यूज के बेसिस पे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहली वेइंग स्केल की, जो है ब्रांड Glun के द्वारा। ये काफी बजट फ्रेंडली वेइंग स्केल है और आप इसके ऊपर अप टू 10 kg तक वेट मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसके साथ आपको एक बिग बैकलाइट डिस्प्ले मिलेगी और साथ में यहाँ पे आपको 3 function button भी मिलते हैं। और ये मशीन काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, बट इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी मुझे एवरेज लगी। इवन इसकी प्लास्टिक की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी। और जब मैंने इसके ऑनलाइन रिव्यूज चेक किए तो काफी कस्टमर्स को इसके साथ ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज थे। और अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो इसके अंदर आप ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, बट इसमें लीटर का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये वेइंग स्केल मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनका यूज बहुत ही कम है और वो एक बजट वेइंग स्केल चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके साथ हम एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम ये साइंटिफिक कैलिब्रेटेड वेट्स का यूज करेंगे और इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मशीन्स एक्यूरेट हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मेजर किया 20 ग्राम्स का वेट, फिर हमने मेजर किया 100 ग्राम्स का वेट, और आखिरी में हमने मेजर किया 500 ग्राम्स का वेट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 ग्राम्स और 500 ग्राम्स का वेट थोड़ा सा इनएक्यूरेट था 1 ग्राम से, जो कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है और डेली नॉर्मल यूसेज के लिए ओके है। बट अगर आपको एक बहुत ही प्रिसाइज मशीन चाहिए तो आप दूसरे ब्रांड्स की मशीन भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इसके बटन्स टेस्ट करे तो वो ज्यादा अनस्टेबल नहीं थे, और जब मैंने इसके कॉर्नर्स भी चेक करे तो वो काफी स्टेबल थे, बट जब मैंने इसकी बेस ग्रिप चेक करी तो बहुत ही आराम से ये पीछे स्लाइड हो गई मेरे हाथ से, क्योंकि इसके पीछे आप देख सकते हैं कोई रबर ग्रिप नहीं है। तो आइए हम सेकंड मशीन की बात करते हैं, जो कि है डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड से। इस मशीन के साथ आपको ये डिटैचेबल बाउल मिलता है, और इस मशीन का अगर हम प्लास्टिक क्वालिटी चेक करें तो ये भी काफी अच्छी है और इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी है, और ये मशीन आपका 5 kg तक वेट मेजर कर सकती है। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके साथ भी आपको एक बैकलिट डिस्प्ले मिलता है, और इसके साथ आपको टच सेंसिटिव बटन मिलते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, जिससे आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, टेयर फंक्शन यूज कर सकते हैं, और मशीन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर हम इसकी डिटैचेबल बाउल की बात करें तो ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है डे टू डे सॉलिड ग्रोसरीज को मेजर करने के लिए, बट अगर आप इसके ऊपर अपने किचन से कोई और बड़ा बाउल या थोड़ा राउंड शेप का बाउल रखते हैं तो इसकी फिक्स बाउल डिजाइन की वजह से आपका बाउल थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, तो वो चीज आपको थोड़ी केयरफुली हैंडल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका डिजाइन थोड़ा थिक है और थोड़ा साइज बड़ा है, तो ये आपके किचन में थोड़ा ज्यादा स्पेस ले सकता है। तो अगर आप इस वेइंग मशीन को खरीदना चाहते हैं तो ये आपको Amazon पे अराउंड 900 rupees का मिल जाएगा, और इसके साथ आपको 6 महीने की वारंटी मिल जाएगी। तो आइए अब हम चेक करते हैं इस मशीन की एक्यूरेसी। तो इस मशीन के साथ भी हमने पहले 20 ग्राम्स वेट चेक किया, उसके बाद 100 ग्राम्स का वेट चेक किया, और उसके बाद 500 ग्राम्स का वेट चेक किया। तो ये मशीन काफी एक्यूरेट थी 20 ग्राम्स और 100 ग्राम्स वेट के लिए, बट 500 ग्राम्स का जब हमने वेट मेजर किया तो थोड़ी सी ये फ्लक्चुएट हो रही थी 500 ग्राम्स और 501 ग्राम्स के बीच में, जो कि सिर्फ 1 ग्राम का डिफरेंस है। तो ओवरऑल ये मशीन काफी एक्यूरेट थी, बस थोड़े माइनर डिफरेंस के साथ। तो चलिए अब चेक करते हैं इस मशीन की स्टेबिलिटी को। तो जब हमने इसके बटन्स को टेस्ट किया तो वो मोर और लेस स्टेबल थे, बट जब हमने थोड़ा हार्ड प्रेस किया तो मशीन अपनी जगह से थोड़ा मूव करी थी, और जब मैंने इसके कॉर्नर्स भी चेक करे तो वो काफी स्टेबल थे, और जब हमने इसकी बेस ग्रिप को चेक किया तो वो बहुत ही स्टेबल थी, क्योंकि इस मशीन के नीचे आपको ये 4 rubber grip मिलती हैं। तो ओवरऑल मशीन की एक्यूरेसी अच्छी थी और वो काफी स्टेबल भी थी। तो आइए हम नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं, जो कि HealthSense के द्वारा है। तो यहाँ पे ये मॉडल जो है वो 2020 मॉडल है, जो ऑलरेडी एक टॉप सेलर है Amazon में, और यहाँ पे ये दूसरा मॉडल 2021 मॉडल है, जो कि एक रीसेंट लॉन्च है ब्रांड के द्वारा, और इसको भी लोगों का काफी अच्छा रिव्यूज एंड रेटिंग्स मिल रहा है। और अगर हम इस मशीन की क्वालिटी की बात करें तो इसके साथ आपको काफी अच्छा प्लास्टिक डिजाइन मिल जाता है, और ये मशीन्स काफी ज्यादा लाइट वेट भी हैं, और आप देख सकते हैं ये आपके किचन में काफी स्लीक और एलिगेंट लुक देंगी। बिकॉज ये मशीन इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है तो ये आप किचन में कहीं भी रख सकते हैं, और इनको आप इवन किसी भी बैग में कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये 2020 मॉडल यहाँ पे आपको विदाउट बैकलाइट डिस्प्ले के साथ मिलता है, बट इसके अंदर आप ग्राम्स और मिलीलीटर्स के अंदर यूनिट्स चेक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 2021 मॉडल की बात करें तो इसके साथ आपको एक बैकलाइट डिस्प्ले मिलता है,
जिसके अंदर आप ग्राम्स मेजर कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिक्विड्स भी मेजर कर सकते हैं जैसे वाटर मिलीलीटर के अंदर और मिल्क भी मिलीलीटर के अंदर। और ये सारे ही बटन्स टच सेंसिटिव बटन्स हैं दोनों ही मशीन के अंदर। तो अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी और आप इनको खरीदना चाहते हैं तो ये दोनों ही मशीन आपको 800 रुपए के अराउंड मिल जाएंगी। और जब हमने इन दोनों मशीन की एक्यूरेसी को चेक किया तो छोटे वेट से लेके बड़े वेट तक ये सारी वेट्स के लिए काफी एक्यूरेट थी। इवन 1 ग्राम का भी डिफरेंस हमको इसमें नहीं दिखाई दिया। तो जब हमने इस मशीन की स्टेबिलिटी को टेस्ट किया तो यहाँ पे 2020 मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे जब हमने इसके बटन्स को प्रेस करने का ट्राई किया तो ये मशीन थोड़ी अनस्टेबल हो रही थी क्योंकि इसके बेस डिजाइन में यहाँ पे आपको कॉर्नर सपोर्ट नहीं मिलता। इवन जब मैंने इसके कॉर्नर्स को प्रेस किया तब ये मशीन काफी अनस्टेबल हो रही थी, पर जब मैंने इसकी बेस ग्रिप को चेक किया तो वो काफी स्टेबल थी क्योंकि इसके साथ भी आपको ये बेस रबर ग्रिप्स मिल जाती हैं। पर जब हमने यहाँ पे इस 2021 मॉडल को चेक किया तो जब हमने इसके बटन्स को चेक किया तो मशीन काफी स्टेबल थी। इवन जब हमने इसके कॉर्नर्स को चेक किया तो मशीन तब भी काफी स्टेबल रही और इवन इसके बेस ग्रिप भी काफी अच्छा था क्योंकि इसके साथ भी आपको यहाँ पे बॉटम रबर ग्रिप्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों ही मशीन काफी ज्यादा एक्यूरेट थी, बट 2021 मॉडल थोड़ा ज्यादा स्टेबल थी 2020 मॉडल से। तो आइए हम नेक्स्ट वेइंग मशीन की बात करते हैं जो कि है Amazon Basics है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पे काफी अच्छा प्लास्टिक का बेस डिजाइन मिल जाता है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील का डिजाइन मिलता है जो कि काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है बिकॉज इसके ऊपर फूड मार्क्स ज्यादा आसानी से स्टे नहीं करेंगे। एंड हालांकि इसका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है बट ये मशीन थोड़ी हैवी है क्योंकि इसके साथ आपको ये स्टील डिजाइन मिलता है, बट इस चीज की वजह से इस मशीन की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पे एक अच्छा बड़ा डिस्प्ले मिलता है बट इसके अंदर कोई बैकलाइट डिस्प्ले नहीं है। और इसके बटन्स की अगर हम बात करें, ये टच सेंसिटिव बटन्स नहीं है, ये यहाँ पे क्लिकेबल बटन्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आप राइट बटन से इस मशीन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं और इसके साथ आप यहाँ पे टेयर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड पे आप इसके अंदर यूनिट चेंज कर सकते हैं जो कि आपको ग्राम्स और ml में मिल जाएगा। तो अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो आपको ये Amazon पे करीब 800 रुपीस की मिल जाएगी और इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। और जब हमने इस मशीन का एक्यूरेसी टेस्ट किया तो ये मशीन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थी 20 ग्राम से लेकर इवन 500 ग्राम के वेट के लिए। और जब हमने इस मशीन की स्टेबिलिटी भी टेस्ट करी तो ये काफी ज्यादा स्टेबल थी जब हमने इसके बटन्स को प्रेस किया और ये काफी ज्यादा स्टेबल रही जब हमने इसके चारों कॉर्नर्स को भी प्रेस किया। और जब हमने इसकी बेस ग्रिप को चेक किया तो वो काफी ज्यादा स्टेबल थी क्योंकि इसके साथ आपको ये 6 रबड़ ग्रिप्स मिलते हैं। और इन सभी मशीन के साथ हमने एक और बोनस टेस्ट किया है जिसमें हम देखेंगे कि इन मशीन को साफ करना कितना आसान है। और इस टेस्ट के लिए हमने थोड़ी केचअप्स, थोड़ी ऑयल स्टेन्स इन सभी मशीन्स पे एक साथ लगा दिए और उनको हमने ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। और जब उन सभी मशीन्स के ऊपर वो स्टेन्स ड्राई हो गए तब हमने एक वेट क्लॉथ से उन सभी मशीन्स को क्लीन करने का ट्राई किया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारी मशीन्स के ऊपर स्टेन को क्लीन करना काफी आसान था और सारे ही स्टेन्स सभी मशीन्स के ऊपर से साफ हो गए। बट क्लीन करते टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इन 3 मशीन्स के साथ जो कि Amazon Basic की है, ग्लून की है और HealthSense 2021 मॉडल की है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मशीन्स के अंदर गैप है जहाँ पे पानी आसानी से जा सकता है और अगर कोई फूड स्टेन वहाँ पे लग गए तो उनको क्लीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब इन सभी मशीन्स का फाइनल टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं जिसमें हम एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी के रिजल्ट्स चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट के अंदर ग्लून मशीन काफी एवरेज थी क्योंकि वो 20 ग्राम्स और 500 ग्राम्स वेट के लिए थोड़ी सी इनएक्यूरेट थी। और डॉक्टर ट्रस्ट ने भी काफी हद तक अच्छा परफॉर्म किया, बस इसका 500 ग्राम्स में थोड़ा वेट फ्लक्चुएट हो रहा था। और यहाँ पे बाकी तीनों मशीन्स HealthSense 2020 मॉडल, HealthSense 2021 मॉडल और Amazon Basic 100% एक्यूरेट थी, उनमें 1 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं था। और अगर यहाँ पे हम स्टेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो ग्लून मशीन ने काफी एवरेज परफॉर्म किया बिकॉज इसके साथ आपको कोई भी बेस ग्रिप नहीं मिलती है। और डॉक्टर ट्रस्ट ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि वो ओवरऑल स्टेबल थी, पर जब उसके बटन प्रेस कर रहे थे तो वो कभी कभार अनस्टेबल हो रही थी। और अगर यहाँ पे हम HealthSense 2020 मॉडल की बात करें, वो काफी ज्यादा ओवरऑल अनस्टेबल थी जस्ट उसकी बेस ग्रिप को छोड़कर जो कि थोड़ी स्टेबल थी। अगर हम यहाँ पे लास्ट में HealthSense 2021 मॉडल की और Amazon Basic की मशीन्स की बात करें तो उन मशीन्स ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि वो हर एक टेस्ट में काफी ज्यादा स्टेबल थी। तो इन सभी टेस्ट की ऑब्जर्वेशन करने के बाद HealthSense 2021 मॉडल और Amazon Basics मेरी यहाँ पे फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी। और यहाँ पे मैं दूसरी रिकमेंडेशन पे आपको डॉक्टर ट्रस्ट और HealthSense 2020 मॉडल रिकमेंड करूंगा। बट अगर आप अपने लिए एक बजट ऑप्शन लेना चाहते हैं और आप अपनी वेइंग स्केल को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो आप ग्लून मशीन भी ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।